घर में स्ट्रॉबेरी लगाए, ढेरों स्ट्रॉबेरी लेने के लिए कुछ इस तरीके से आप इनके पॉटिंग मिक्स रेडी करें और इस तरीके से लगाएं जिससे आपको हार्वेस्टिंग अच्छी खासी मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका मेरे गार्डन में स्वागत है। तो सबसे पहले बात आती है कि पॉटिंग मिक्स किस तरीके से होने चाहिए ताकि पौधे अच्छे तरीके से ग्रो करें और फूडिंग जो है जबरदस्त देखने को मिले। तो आप अगर एवरेज बात करें तो आप जो है तीनों पार्ट इक्वल ले सकते हैं, यानी कि गार्डन सोयल, नॉर्मल गार्डन सोयल, सैंड और कंपोस्ट, तीनों इक्वल पार्ट ले लीजिए। उसमें 20-10% जो है आप नीम खली मिला सकते हैं। और जो मैं यहाँ पे रेशियो बना रही हूँ वो मैं स्क्रीन पे जो है मेंशन कर दूंगी ताकि आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, मैं टू टाइप्स के पॉटिंग मिक्स में जो है स्ट्रॉबेरी लगाने वाली हूँ, एक तो जो मैंने आपको भी बताया और दूसरा जो है ये रेशियो जो मैं स्क्रीन पे डालने वाली उस वाले में। तो फ्यूचर में देखते हैं किस में जो है अच्छा रिजल्ट जो है मुझे देखने को मिलता है। वैसे जो मैं मिट्टी लेके आई थी नर्सरी से, उसमें क्या है ऑलरेडी उन्होंने गोबर की खाद जो है मिला के दिया हुआ था, लेकिन क्या है मैंने बाद में थोड़ा सा जो है और वर्मी कंपोस्ट जो है मिला दिया है। तो आप ये जो देख रहे हैं ये है पोटाश, तो पोटाश भी जो है मैंने एक्स्ट्रा इस टाइम पे जो स्ट्रॉबेरी के पौधे में जो है मिला रही हूँ। बिकॉज अब जो मैं पौधे स्ट्रॉबेरी का लेके आई हूँ नर्सरी से, उसमें ऑलरेडी क्या है फ्लावरिंग हो रही है, इसीलिए क्या है मैंने थोड़ा सा जो है पोटाश की मात्रा भी जो है मिला दी हूँ। और बाकी जो पौधे हैं मेरे लास्ट ईयर के मदर प्लांट हैं, और कुछ पौधों को मैंने रनर के थ्रू जो है प्रोपोगेट किए हैं और कुछ को जो है डिवाइड के थ्रू जो है प्रोपोगेट किए हैं। तो चलिए मिट्टी को जो हम अच्छे तरीके से मिला ले। और ये जो मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ ये 10 से 12 गमलों की मिट्टी तैयार कर रही हूँ, इसलिए मिट्टी जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो मिलाने में थोड़ा सा जो है मुझे टाइम लग गया, इसलिए क्या है मैंने वीडियो को जो है फास्ट करके दिखा दिया आपको। देखिए कुछ इस तरीके से मिट्टी बिल्कुल हल्की है और पोरस भुरभुरी है। जो भी मिट्टी बनाए पौधों के लिए उसमें क्या है पानी जो है ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं होना चाहिए, फटाक से जो है पानी निकल जाए, ऐसी मिट्टी बनाए, यानी कि वेल ड्रेन जो है मिट्टी आप बनाएं। तो गमले की बात करें तो यहाँ पे जो मैं 12 इंच का जो है गमला ले रही हूँ, लास्ट ईयर भी मैं कुछ इस तरीके से जो है इसमें लगाए थे, लेकिन ये गमले जो है मैं न्यू लेके आई हूँ। और बॉटम को कवर करने के बाद, मिट्टी को फिल करने के बाद, हमने जो नर्सरी से पौधे लेके आए हैं उसको हमने कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है, बस लिफाफे को यानी कि पॉली बैग को निकालना है और कुछ इस तरीके से जो है हमने सेंटर में प्लेस करके इनको लगा देना है। ज़्यादा हम इनको जो है जड़ों को जो है नहीं छेड़ेंगे। देखिए इसके जड़ ऑलरेडी जो है नीचे की तरफ निकले हुए हैं, तो ये फटाफट जो है मिट्टी में जो है जो हम मिट्टी इनको दे रहे हैं उसमें जो है सेटल हो जाएंगे। और जितने भी पौधे में जो अनचाहे वीड वगैरह होते हैं इनको आप लगाते वक्त जो है रिमूव जरूर कर दें, नहीं तो सारी एनर्जी जो है ये पौधे की ये लेके जाएंगे। तो जब देखिए बीच में रखने के बाद कुछ कोई भी पतली टूल हो या फिर देखिए शावर के थ्रू जो है मैं कुछ इस तरीके से जो है थोड़ी सी जो है मिट्टी को कस के जो है मैं बिठा रही हूँ ताकि एयर पॉकेट जो है अंदर ना पनपने पाए, ना बैठे, नहीं तो क्या फंगस जो है लग जाएंगे। और आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो ऊपर का टॉप क्राउन होता है स्ट्रॉबेरी का, इसको मिट्टी से हमने नहीं ढकना है। अगर हमने ये काम गलती से हो गया कि ढक गया तो क्या है पौधा जो है सड़ जाता है, पौधा जो है खराब हो जाता है, हमें नहीं पता चलता। जैसे हम जरबेरा का पौधे को केयर करते हैं, उनके क्राउन को हमने छुपाना नहीं होता है मिट्टी में, ऊपर की तरफ रहता है, वैसे स्ट्रॉबेरी का सेम है। जहाँ से इनके रनर्स निकलेंगे, जहाँ से इनके जो फ्लावरिंग आते हैं वहाँ जो है मिट्टी नहीं चढ़नी चाहिए, नहीं तो ये पौधे जो है खराब हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है हमने बस लगाना है। और सारे के सारे जो है जितने भी गमले हैं मैं इनमें जो है लगा दे रही हूँ फटाफट। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप स्ट्रॉबेरी का पौधा लगा ही रहे हैं अपने गार्डन में तो एक पौधा ना लगा के क्या है 3 से 4 या 5-6 पौधे जरूर लगाएं, ताकि क्या है आपको अच्छी खासी जो है फ्रूटिंग जो है मिल पाए। नहीं तो एक पौधा लगाने का क्या फायदा जो थोड़ी सी हमें फ्रूटिंग मिले। तो इससे अच्छा है कि आप 5-6 पौधे लगाएं और स्ट्रॉबेरी के जो है मजे ले अपने गार्डन के 100% स्ट्रॉबेरी। और ये जो है फ्रूटिंग वाले हैं तो इसमें कोशिश करेगी कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर जो है आप इनमें ना फीड करें, जो भी दे इनको ऑर्गेनिक दे 100%। तो मैं अपने जितने भी इटेबल जो लगाती हूँ पौधे, चाहे वो वेजिटेबल हो चाहे ये फ्रूट वाले हो, उसमें मैं किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करती हूँ। इसीलिए देखिए मैंने DAP इसमें डाले नहीं है, इसकी जगह पे पोटाश डाले हैं। पोटाश क्या है ये ऑर्गेनिक फॉर्म में है, जो क्रिस्टल वाले होते हैं मे बी शायद वो केमिकल फॉर्म में आते हैं। अब देखिए ये जो पौधे हैं ये मेरे लास्ट ईयर के मदर प्लांट है, आपने देखा होगा अगर आप मेरे चैनल शुरू से देखते आ रहे हैं। तो इन गमलों में भी मैंने बहुत सारे स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए थे, वैसे सेब तो मैंने 5-6 किए थे, लेकिन 2 से 3 पौधे ही जो है गमले के जो पौधे जो है बच पाए। और ये काफी इस टाइम पे काफी इनकी ग्रोथ हो गई है और इसमें जो है 2 है पौधे, तो मैं सोच रही हूँ इसको निकाल के हम डिवाइड के थ्रू जो है 2 पौधे हम बना लेते हैं। तो देखिए कितने घने हो गए हैं। तो
अभी मैं इनको निकालूंगी। अब इससे देखो निकालने में तो जड़े तो डिस्टर्ब होंगी ही, तो कोई बात नहीं, ये हम इनको अलग कर देते हैं और ये बहुत जल्दी जो है सेटल हो जाएंगी। तो इनको थोड़ा सा जो है किसी भी टूल की वजह से जड़े जो है काफी जो है जकड़ी हुई थी, तो थोड़ा सा निकालने में मेरे को जो है टाइम लग गया। और कोशिश करें कि ऊपर का जो क्राउन हो वो ना टूटने पाए। देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है इनकी ग्रोथ हुई पड़ी है, तो मुझे सारी की सारी इनकी मिट्टी हटानी पड़ेगी, तभी जड़े जो है अच्छे तरीके से जो है निकल पाएंगे। नहीं तो ज्यादा मैंने खींचा तो क्या है ये टूट ना जाए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जड़ें ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, ज्यादा टूटे फूटे नहीं, नहीं तो रिकवर होने में जो है ये जो प्लांट है वो ज्यादा टाइम ले लेगा। तो इनको थोड़ा सा हम केयरफुली जो है निकाल लेते हैं। और इनकी मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी बनाई है मैंने कि मिट्टी फटाफट जो है नीचे आ गई। तो चिकनी मिट्टी में भी किसी भी पौधे को ना लगाते हुए, और स्ट्रॉबेरी के जब भी पौधे लगाएं आप, अगर आप कोको पेड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ वाटरिंग का आपने ध्यान रखना। अगर ज्यादा देर तक स्ट्रॉबेरी पौधे की पानी गिली रही, पानी बोल रही हूँ सॉरी, अगर मिट्टी गिली रही तो स्ट्रॉबेरी के पौधे जो है नीचे से क्या है ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं, इनकी पत्तियां क्या है ब्राउन होने शुरू हो जाती है। ये कॉमन समस्या होती है स्ट्रॉबेरी के पौधे में। तो आप हफ्ते में एक बार जो है टर्मरिक का ऊपर से छिड़काव कर दीजिए, या फिर फंजीसाइड या फंजीसाइड से छिड़काव कर दीजिए। तो देखिए कि जड़े देखिए कितने अच्छे तरीके से डेवलप हुए हैं। तो चलिए फाइनली जो है इनको मैंने सेपरेट कर लिया है और दो जो है गमले में लगाने जा रही हूँ। देखिए आप स्ट्रॉबेरी के पौधे को जो 8 इंच के छोटे छोटे गमले में भी लगा सकते हैं, और कुछ इस तरीके से जो है शैलो पॉट होते हैं उसमें भी जो है आप लगा सकते हैं। देखिए ये 8 इंच का शैलो पॉट है और बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। तो ये देखिए ये जो पॉट है मुझे 80 रुपीज का मिला, और बाकी जो मैंने आपको दिखाए हैं ये 12 इंच के, ये मिले 50 रुपीज के। तो मैंने क्या है 12 इंच वाला ही जो है मैंने पॉट चूज किया, क्योंकि इसी सेम वैरायटी के पॉट ना सारे मेरे हैं, तो मैं एक ही पॉट का डिजाइन जो है रखना चाहती हूँ गार्डन में। तो देखिए ये दूसरा है और कितना घना है। वैसे ये सेटल हो गए थे 2 दिन के अंदर सेटल हो गए थे, लगाने के बाद मैंने इनको क्या है टेरेस पे, ये टेरेस पे लगा रही हूँ, और बालकनी में लगा थे, बालकनी में भी आप स्ट्रॉबेरी के पौधे लगा सकते हैं। तो मैंने ओपन में ही इनको छोड़ दिया है, ग्रीन नेट के नहीं नीचे रखा। और बट एक बात है कि इसमें जो है धूप नहीं मिलती, जहां पे छांव रहती है वहीं पे मैंने छोड़ा है 4 दिन तक, और 4th दिन मैंने इनको निकाल के फुल डे के सनलाइट में जो है शिफ्ट कर दिया। तो तब तक कहीं सेटल हो जाते हैं। तो चलिए पानी देने की बारी आती है। एप्सम सॉल्ट मिला के पानी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पौधे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर हम रिपोर्ट वगैरह करते हैं। तो एप्सम सॉल्ट थोड़े घुलने में टाइम लगते हैं, तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद जो है वाटरिंग करके इनको छोड़ देते हैं, और बाकी अपडेट मैं जो है आपके साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो मेरी बेबी आ गया कि मैं भी पानी डालूंगी, तो उसकी हेल्प से मैंने क्या सभी पौधे में जो है वाटरिंग जो है कर दी, क्योंकि ये जो लगाते हैं स्ट्रॉबेरी हमारे बच्चों के लिए लगाते हैं, हमें तो खाने को मिलता है, यानी दिल ही नहीं करता, जो भी निकलते हम अपने बच्चों को ही खिलाते हैं। तो आप भी लगाइए और स्ट्रॉबेरी के मजे लीजिए, बच्चों को खिलाइए, आसपास पड़ोसियों को दीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।